हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई नो अच्छे ही होंगे आप सब। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में चलो चले विद उमा। मैं हूं आपके साथ आपकी उमा शर्मा। आज हम दिल्ली की एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां हम आपको दिखाने वाले हैं 1 रुपए में अनलिमिटेड खाना। हाँ, ये हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, पर ये थोड़ी उससे अनोखी है। इसमें आपको 1 रुपए में 4 या 5 तरह की सब्जी मिलेगी, देसी घी से बना हुआ हलवा मिलेगा, पूड़ी मिलेंगी, चावल मिलेगा, जो कि सिर्फ केवल 1 रुपए में। और हाँ, ख़त्म हो जाने के बाद आपको वो फिर से मिलने वाला, फिर से ले सकते हैं। तो आज हम पहुँचे हुए हैं दिल्ली के नागलोई में, जहाँ पर श्री श्याम रसोई के द्वारा जो भूखे लोग होते हैं उनको 1 रुपए में खाना दिया जाता है। यहाँ हर प्रकार के लोग आते हैं, यहाँ पे छोटे से बड़े से लेके गरीब से अमीर सब यहाँ पर आते हैं और सब यहाँ पर खाते हैं। तो हम भी यहाँ पर खाना ज़रूर ट्राई करेंगे, हम आए हुए हैं। ता आपको मैं एक बार एड्रेस भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। एड्रेस है इनका 54/14 शॉप नंबर 1 और भूतों वाली गली नियर शिव मंदिर, DST दावा बाज़ार, नागलोई, दिल्ली 41। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। जिसको अगर नहीं भी मिलता तो यहाँ की लोकेशन को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अब हम जाएंगे अंदर, जाकर देखते हैं किस प्रकार से वो सबकी मदद करते हैं। जिनका नाम प्रवीण जी है, जिन्होंने ये सब शुरू किया है, उनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे, देखेंगे कि कैसे वो लोगों को अपना प्यार भाव दिखाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं उनकी सेवा, थोड़ी सी हो सके तो हम भी करेंगे। लेकिन हाँ, खाना ज़रूर मैं यहाँ का ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने खुद खाना देखा अपनी आँखों से, मतलब इतना लजीज और इतना स्वादिष्ट, पूरा 5 स्टार का फील आप यहाँ ले सकते हैं। तो चलते हैं आप। इस वक्त मैं उनके साथ बैठी हुई हूँ जिन्होंने इस पूरे रसोई में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया है। हमने प्रवीण जी से जिस तरह से बात की, उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा योगदान इसमें सर का है। तो सर से हम थोड़ी सी बात करेंगे। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बेटे रजीत सिंह है। तो रजीत सिंह जी, आप ये बताइए कि आपने क्या सोचा, मतलब कि पूरी ज़मीन आपने जो पानी बिजली सब कुछ प्रवीण जी को पूरा फ्री दे दिया। सोचना क्या था बेटे, प्रवीण जी आए थे मेरे पास काफ़ी टाइम पहले जी, उस टाइम वो 10 रुपये का खाना खिलाते थे। तो कहीं पर थे वो रेंट पे, तो वो खाली करवा लिए थे। अच्छा। तो काफ़ी परेशान थे वो। अच्छा। तो मैंने पूछा, परेशान किस लिए हो आप? भाई बोलता हूँ, छोटा भाई बोलता हूँ उसको मैं। तो कहते मेरे पास जगह नहीं है, ऐसे ऐसे मेरे को सेवा करनी है। मैं ये कोई बात हुई, मेरे पास इतनी जगह, कोई भी सारी ले लो। तो ये सोच के मैंने उसको दिया था, जब तक वो चाहें होल लाइफ वो इसको ले सकते हैं। कोई इसका रेंट नहीं है, कोई बिजली का बिल नहीं है, कोई पानी का बिल नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी नमस्कार। नमस्कार। तो आए हैं अंकल जी अपनी तरफ से, मतलब कुछ यहाँ श्री श्याम रसोई में आप कुछ देने आए, मतलब दान करने आए हुए आप। तो आप कहाँ से हैं अंकल जी? अवंतिका सेक्टर 1 रोहिणी। तो आप रोहिणी से आए हैं। हाँ। तो मतलब आपको कैसे मन में लगा कि मुझे दान करना चाहिए? देखो जी, इससे बड़ा दान कोई नहीं, अन्न का दान है ये। मेरे बड़े भाई साहब की बरसी आज, उसके चक्कर में यहाँ जो मेरे हाथ से हो सकेगा, हम चाचा भतीजा दोनों आए हैं यहाँ देने। अच्छा। जो भी हमारे हाथ से हो सकता है, हम राशन देंगे या नगद नहीं देंगे। नगद ये लोग नहीं लेते। हाँ। ये सिर्फ राशन, जो भी आपका दिल करे राशन दे दो, राशन लेते हैं ये। पैसे, जैसे अंकल ने भी बताया हमको कि हम किसी से पैसे नहीं लेते। पैसे नहीं लेते, पैसे को मना कर दिया उन्होंने। आप अपने श्रद्धा से जो राशन ले आएंगे, हम ले आएंगे आटा, चीनी, चावल, जो कुछ भी लगता है वो दे देंगे यहाँ। तो
तो अंकल आए हैं दान देने के लिए, तो हम भी आपसे यही विनती करेंगे कि आप भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और लोग इससे जुड़ें, और लोग यहाँ पे दान देना है, जिससे ये शाम रसोई आगे हमेशा ऐसे ही चलती रहे, और जो लोग भूखे सो रहे हैं वो भूखे ना सोए, उनका पेट भरा रहे, क्यों अंकल जी? बिल्कुल जी, सही बात। तो हम सब आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ आप शाम रसोई से ज़्यादा जुड़े। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरी शाम रसोई के कर्ता धर्ता प्रवीण जी। तो प्रवीण जी, आप हमें ये बताइए कि मतलब कुछ श्री श्याम रसोई के बारे में बताया, आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या आपके मन में विचार आया कि आपको ये रसोई शुरू करनी चाहिए? मैडम ऐसा है, बार बार तो मुझसे नहीं कहा जाता, कोई भी कार्य शुरू होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ दुर्घटना या कोई कारण होता है, जब भी शुरू होती है, नहीं तो नहीं होती। कहीं मैं जा रहा था, किसी व्यक्ति को खाना नहीं मिला, अच्छा, तो बहुत मन को ठेस पहुंची कि यार क्या 10 रुपये में खाना नहीं मिलता दिल्ली में, जबकि दिल्ली का तो दिल वालों की है। हाँ, दिल्ली दिल वालों, ठीक है ना। तो बड़ा मुझे फील हुआ और महसूस हुआ, और उसके बाद मैं जो है अपने घर आया, अपने बच्चों से मैंने बात करी, तो मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, मैं इसको शुरू करना चाहता हूँ। उसके बाद ये 10 रुपये में हमारा हमने चलाया था, वो लगभग 1 साल के करीब वो चला। उसके बाद कोरोना काल आ गया, अच्छे अच्छे आदमी उस टाइम पिस गए, और जो यूँ कहते थे हम तो ये हैं, वो भी ब्रेड मिला नहीं मिला खा के गुजारा लोगों ने करा है। और मैं ये चाहता हूँ गरीब आदमी को खाना तो मिले, खाना उसको ऐसा मिले उसकी तबीयत खुश हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया आप इतने आइटम क्यों बनाते हो, आपके मन में ये बात होगी कि आप इतने आइटम क्यों बनाते हो, आप 2 सब्जी से भी रोटी खिला सकते हो, 1 सब्जी से भी खिला सकते हो, मेरी कोई औकात नहीं है मैं एक कुछ भी खिला सकूँ। तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे पास जो सिस्टम है, आज जैसे किसी का जन्मदिन है, उनकी तरफ से हलवा, पनीर की सब्जी और पूरी उनकी तरफ से थी, शाम रसोई की तरफ से चावल और 2 सब्जियां थी। मेरे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, भाई भाई सब लोग हमारे यहाँ एक हैं। मेरे को आप 1-1 किलो राशन की मदद कर दिए, सिर्फ 1 किलो राशन की, मुझे ज़्यादा भी आपसे नहीं मांगूंगा, 1-1 किलो राशन ऑनलाइन भेज दो। अगर 1 आदमी 1 किलो राशन भेज दिया तो अपने हिंदुस्तान के अंदर कोई भूखा नहीं, 135 करोड़ आदमी हैं, अगर 1-1 आदमी ने राशन भेज दिया ना, दिल्ली दिल्ली नहीं है, हम पूरी इंडिया को रोटी खिला सकते हैं। मैं आपको अपना एड्रेस देता हूँ, उस एड्रेस पे आप लोग राशन भेजें, 1-1 किलो भेजेंगे आप तो भी आप हिसाब लगाइए, अपने देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। मैं आपको एड्रेस दिखाना चाहूँगा, ये मेरा एड्रेस है, ये एड्रेस है मेरा, इस एड्रेस पे आप राशन भेज सकते हैं। और अगर आप मेरे को कोई योगदान देना चाहते हैं उसके लिए मेरा ये ट्रस्ट का अकाउंट नंबर है, ये ट्रस्ट का अकाउंट नंबर है। फिर भी मैं सभी से एक बात और कहूँगा, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, ट्रस्ट के अंदर 1-1 रुपये डालें, 1-1 रुपये डालें, 2 रुपये डालें, 5 रुपये डालें, हम ये नहीं कहेंगे 1 लाख डालें, 2 लाख डालें, थोड़ा थोड़ा डालें जिससे आप भी डाल सकें और हम भी इसको आगे चला सकें। ये आगे आइए आप, ये मेरा पेटीएम नंबर है, ये पेटीएम नंबर है, ये मेरे ट्रस्ट का, अगर आपको बात करनी है तो कर सकते हैं। कृपया मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, 11 बजे से 2 बजे तक मुझे कॉल ना करें, सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुझे फ़ोन ना करें, क्योंकि ये भंडारा 11 बजे शुरू हो जाता है और लगभग 2 बजे के आसपास समाप्ति होती है। वैसे मेरा 11 बजे से 1 बजे तक का टाइम है। शाम रसोई में आइए, आप स्वागत है आपका, मगर एक शाम प्रेमी बन के आई हैं तो आपका स्वागत है। कल जी कैसा लग रहा खाना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपको 1 रुपये में इतना सारा खाना मिल रहा है, अच्छा लग रहा होगा? एक तो पेट भी भर रहा है, ऊपर से पैसे भी बच रहे हैं। सही। तो आप बताइए, 1 नंबर खाना है, ऐसा खाना कहीं नहीं मिलेगा। 1 नंबर, 1 नंबर। रोज आते हैं आप? कभी कभी आता हूँ। कभी कभी कहाँ से आते हैं?
मैं बकरवाले से। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? मैं यहाँ से लक्ष्मी पार्क से। अच्छा, तो इतना सब इतना आते हैं दूर दूर से, और इतना स्वादिष्ट खाना, मतलब बहुत स्वादिष्ट खाना अच्छा होता है। तो मेरे को तो देखने में इतना स्वादिष्ट लग रहा है खाना, अच्छा लग रहा है ना खाना। अच्छा, तो मतलब पेट भरने के बाद आप दोबारा भी ले सकते हैं, बस इनकी एक ही वो आपको बिगाड़ नहीं देगा। तो आप आइए, मैं और भी दिखा देती हूँ आपको। और आंटी खा रही हैं। आंटी जी, कैसा लग रहा है आपको खाना? बहुत स्वाद लग रहा है। बहुत स्वाद, रोज आते हैं आप? अच्छा, कहाँ से आते हैं? सुल्तानपुर से आती हैं आंटी, और खाती हैं डेली इतना प्यारा खाना, देसी घी में शुद्ध बना हुआ है, देख सकते हैं आप इस तरह से। तो आइए और भी देखते हैं हम। आंटी जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है खाना, मैं तो पहली बार आई हूँ। आप पहली बार आए हो? आंटी पहली बार आके रिव्यू दे रही हैं, पहली बार में आंटी को खाना बहुत अच्छा लगा। आंटी आगे भी आना ज़रूर खाने के लिए। तो अभी और इधर लाइन भी लगी हुई है, देख रहे हैं आप। अम्मा, कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छी लग रहा है बेटा खाना, टेस्टी लग रहा है। टेस्टी लग रहा है, थैंक यू। इंग्लिश भी बोलती हूँ। अच्छा, एक बार ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। तो आशीर्वाद देना उनको, खुशी रहे, ताकि और भी लोगों को खाना खिला सके। चलिए ठीक है, खाइए आप। अंकल जी आए हुए हैं, ये आश्रम से खाना लेने आए हैं, क्यों अंकल जी? हाँ। तो अंकल जी, आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम रवि, रवि नाम है अंकल जी का। अंकल आए हुए हैं वृद्धा आश्रम से खाना लेने के लिए, वहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए खाना लेने आए हुए हैं आप। तो अंकल जी, आप डेली आते हैं खाना लेने? डेली आते हैं। आप भी बताइए, आपको श्री श्याम रसोई के बारे में किसने बताया आपको? एक्चुअली हमारे यहाँ कोई आया था। अच्छा, तो वो डेली 3 घंटे तक हमारे पास वहाँ पर सबको इकट्ठा करके रामायण का पाठ सुनाते थे। अच्छा अच्छा, तो उनके जरिए हम यहाँ पर आए। अच्छा, तो उन्होंने आपको बताया तब आप आते हैं? हाँ, 4 महीने हुए मैं खाना लेते हुए। तो यानी कि कुछ परसेंट कह लीजिए, तो अंकल भी अपना योगदान जरा सा देते हैं, खाना लेने आते हैं और फिर मतलब उनको जाके खिलाते हैं। सेवा है अंकल, ये भी आप भी सेवा ही कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगता होगा उन्हें सेवा? अच्छा लगता है। तो आप ये एक ही टाइम का खाना लेके जाते हैं? हाँ, हम इसमें लेके जाते हैं, अब शाम को भी लेके जाएंगे। प्रवीण भाई साहब ने बहुत दफा बोला कि शाम को भी लेके जाया करो आप, क्योंकि अंकल तो बस ये चाहते हैं जितना हो सके उतना सबका अच्छा भला हो। नेचर बहुत अच्छा है, वो तो चाहते हैं जितना लोगों को भला हो सब बढ़िया है। तो ठीक है, अंकल जी आए खाना लेने के लिए। अंकल जी, आप खाना ले लीजिए और जाके वहाँ पे खिलाइए, क्योंकि वहाँ पे टाइम हो चुका है, तो अंकल जी को जाना है, हम सिर्फ अंकल से इतनी ही बात करेंगे। तो दोस्तों, ये प्यारा सा और स्वादिष्ट और साफ़ सुथरा खाना मेरे पास भी आ चुका है, तो थोड़ा सा इसे मैं भी खा लेती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऐसे खाने का जो प्यार से दिया जाता है उसका कोई रिव्यू नहीं होता, तो मैं उसका भी कोई रिव्यू नहीं देंगे। आप खुद ही देख लो, देखने में आपको पता चल जाएगा कि कितना स्वादिष्ट और कितना टेस्टी, पूरा 5 स्टार से कम नहीं है आपको खाना। बाकी मैं थोड़ा सा मतलब खा लेती हूँ मैं भी इसको पूरा, मुझे भी दिया गया है प्रसाद के तौर में, तो मैं इसको खा लेती हूँ। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना, क्योंकि मेरे मायने में भी ये है कि बहुत अच्छी वीडियो है ये, मतलब बहुत अच्छा सेवा जो प्रवीण जी ने शुरू किया हुआ है, जिसको हम लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं। हमने इस वीडियो को इसलिए भी शूट किया है, जिनको नहीं पता इसके बारे में, जो लोग भूखे होते हैं वो यहाँ पर आएँ और पेट भर के खाना खाएँ, 1 रुपये में खाएँ। तो हम आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो और सब्सक्राइब करो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।